हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्स लुकअप के बारे में देखने वाले हैं। अब देखिए, एक्स लुकअप को समझने से पहले हम लोग वी लुकअप के जो लिमिटेशंस हैं उनको समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक टेबल यहाँ पर रखा हुआ है जिसमें सेल्स पर्सन का कॉलम है, उनकी आईडी नंबर है, डेट और सेल अमाउंट क्या है और कमीशन कितना है, ऐसे कुछ मैंने यहाँ पर डेटा फिलअप किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सेल्स पर्सन में हार्ले फ्रिज का नेम लिख रहा हूँ तो इसका कमीशन जो है वो मेरे पास इस टेबल में से उठाकर यहाँ पर आ जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग देखें तो ये डेटा मेरा वर्टिकली है और सेल्स अमाउंट भी मेरा कहीं ना कहीं वर्टिकली रखा गया, तो हम वी लुकअप लगाने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएं, वी लुकअप हमें ऑलरेडी आता है, तो मैंने ये वी लुकअप कमांड यूज़ किया, लुकअप वैल्यू को चूज़ किया, फिर मैंने टेबल को चूज़ किया जो मेरा लुकअप एरे है पूरा का पूरा, एंड इसके बाद मैं इंडेक्स चूज़ करूँगा। अब जैसे मुझे कमीशन चाहिए तो कमीशन के लिए मैं कॉमा लगा के 5 लगाऊंगा, फिर कॉमा लगा के 0 करूँगा एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर पैरेंथेसिस बंद करके मैंने एंटर किया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इस हारने के लिए हमारा कमीशन 1239 बिल्कुल सही का सही आ रहा है। तो लिमिटेशन ये होता है वी लुकअप का कि जो हमारा जो लुकअप एरे होना चाहिए, मतलब जहाँ से हम वैल्यू को ले रहे हैं, वो हमारा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। और जो डेटा, जैसे हमने कमीशन का यहाँ पर डेटा रिजल्ट में लेकर आया, आउटपुट में लेकर आया, तो वो हमेशा राइट हैंड साइड में रहना चाहिए। अब अगर हम इस चीज़ को उल्टा करें, जैसे कि हम इस टेबल को देखें, इस टेबल में मैंने सेल्स पर्सन को राइट हैंड साइड में रख दिया है और जो कमीशन है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया है। अब यहाँ पर अगर हम यही कमांड लगाते हैं, मैं इसी कमांड को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ जिससे मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो ये मैंने H4 किया, इस वाले ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, फिर मैंने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया। अब ये सेल्स पर्सन है और कमीशन जो है इससे लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं -1 लिखूंगा यहाँ पर, -1, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 रखा है। मैं ये कमांड रन करके देखता हूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वी लुकअप हमेशा जो जो हमारा जो वैल्यू होना चाहिए, लुकअप एरे होना चाहिए, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए। तो इस कंडीशन पर हमें एक्स लुकअप का यूज़ करना होता है। अब एक्स लुकअप कैसे करते हैं, हम यहाँ पे इक्वल टू एक्स लुकअप लिखेंगे, ये मैंने एक्स लुकअप लिखा, फिर ये हमसे कहेगा लुकअप वैल्यू लिखिए, तो मैं लुकअप वैल्यू को चूज़ किया हार्ले फ्रिज को, फिर कॉमा लगा के ये मुझसे कहेगा लुकअप एरे लगाइए, तो लुकअप एरे मेरा ये सेल्स पर्सन है, इसी के अंदर मेरे लुकअप वैल्यूज हैं। फिर ये मुझसे कहेगा रिटर्न एरे, रिटर्न आप क्या करना चाहते हो, तो रिटर्न एरे, जैसे मुझे कमीशन चाहिए तो मैं ये कमीशन का पूरा ये कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा। फिर ये मुझसे कहेगा इफ़ नॉट फाउंड और मैच मोड और सर्च मोड, आप देखो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बने हुए हैं, मतलब ये ऑप्शनल है, तो अभी मुझे बेसिक ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करना है, तो मैं सीधे पैरेंथेसिस बंद करके एंटर कर दूंगा। तो आप देखिए, हार्ले फ्रिट्ज का जो कमीशन है वो कहीं ना कहीं मेरा 1239 शो हो रहा है। तो एक्स लुकअप क्या होता है, एक्स लुकअप वी लुकअप और एक्स लुकअप के जो लिमिटेशंस हैं उनको ख़त्म करता है। एक एग्जांपल और मैं लूँगा, जैसे मैं हार्ले की जगह पर अगर मैं इस नेम को लिखता हूँ डेविड को, यहाँ पर मैं रिप्लेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा ये डेटा ये चेंज हो जाएगा। आप देखो मेरा डेटा चेंज हो जा रहा है। इस तरीके से हम लोग एक्स लुकअप यूज़ करते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने कोई एक ऐसा नेम इसके अंदर डाला है जो इस पूरे टेबल इस लुकअप एरे के अंदर है ही नहीं, तो मेरे पास देखिए क्या रिजल्ट आता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रवीण डाला, प्रवीण इसके अंदर नहीं है, तो ये मेरा एन ए आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एन ए ना आए, मेरे पास एक प्रॉपर मैसेज है, तो मैं इसी फार्मूला के अंदर कॉमा लगाकर इफ़ नॉट फाउंड इसकी जगह पे एक मैसेज लिख दूंगा, डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख दूंगा नो डेटा अवेलेबल, इस तरीके से। तो जब इसके पास अगर ये वैल्यू जो भी आपने लुकअप वैल्यू डाला है अगर वो लुकअप एरे के अंदर नहीं होगा तो नो डेटा अवेलेबल प्रिंट होगा। अब जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ तो देखिए प्रवीण इसके अंदर अवेलेबल नहीं है मेरा लुकअप एरे के अंदर, तो ये नॉट हो गया है, मैं इसको नो कर देता हूँ, तो नो डेटा अवेलेबल ये ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा इस तरीके से। तो आप अपना खुद का एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं जब डेटा अवेलेबल नहीं है। थर्ड अगर चीज़ हम लोग देखें, जैसे कि हम एक्स लुकअप यूज़ कर रहे थे, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे सेल अमाउंट भी चाहिए और कमीशन भी चाहिए, मुझे दो दो मतलब लुकअप की जो रिजल्ट है वो दो दो आउटपुट चाहिए, तो वी लुकअप में क्या होता था, हमें दो बार कमांड लिखना हो रहा था, एच लुकअप में भी हमें दो बार फार्मूला लिखना पड़ रहा था, बट एक्स लुकअप में एक ही बार में आप ये दोनों कॉलम के रिजल्ट ला सकते हैं। वो कैसे लाने वाले हम लोग, मैं सेल अमाउंट के अंदर इक्वल टू लिखूंगा, एक्स लुकअप यहाँ पे देने वाला हूँ, और फिर उसके बाद मैं लुकअप वैल्यू यानी कि हार्ले फ्रिट्ज को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाने के बाद ये मुझसे कहेगा लुकअप एरे, लुकअप एरे मेरा क्या है सेल्स पर्सन, एंड इसके बाद मैं मुझसे कहेगा ये लुकअप एरे के बाद रिटर्न एरे लिखिए, रिटर्न एरे। अब आप ध्यान दीजिए, मुझे दो चीज़ें चाहिए, सेल अमाउंट और कमीशन अमाउंट, और सेल अमाउंट और कमीशन अमाउंट जो है ये कॉलम है ई वाला और एफ वाला कॉलम है, तो मुझे इन दोनों कॉलम के डेटा को सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से।
और इसके बाद मैं पैरेंथेसिस बंद करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली मेरा दोनों कॉलम में ये फिल हो जा रहा है। अगर मैं इसको चेंज करके मैं इवॉन हिंस का नेम यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे इवॉन्स का जो सेल अमाउंट है 9182 है और जो कमीशन है वो 1836 है। तो इस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स में भी के डेटा को भी लुक एक्स लुकअप के थ्रू आउटपुट ला सकते हैं। लुकअप एक्स लुकअप का अगर मैं फोर्थ एक पॉइंट लेके चलूँ, अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है कोका कोला इंडिकॉम नाइकी INC लिखा हुआ है, बट मेरे पास जो जो लुकअप वैल्यू है वो केवल नाइकी लिखा हुआ है, ये फुल नेम नहीं लिखा हुआ है। फिर भी हम लोग यहाँ पर एक्स लुकअप यूज़ करके सेल अमाउंट ला सकते हैं। कैसे लाते हैं वो देखते हैं। मैंने इक्वल टू दिया, एक्स लुकअप यहाँ पर लिखा, टैप प्रेस किया, फिर ये मुझसे कहेगा लुकअप वैल्यू दीजिए। तो लुकअप वैल्यू में मैंने इसको क्लिक किया। अब हमें ध्यान देना ये पूरा फुल नेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लुकअप एरे में देखो तो यहाँ पे नाइकी के बाद INC लिखा हुआ, अमेजोन के बाद UK, मतलब अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, बट हमने जो लुकअप वैल्यू लिया उसमें पूरा फुल नेम नहीं लिखा है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, ये एस्ट्रिक सिंबल यूज़ करूँगा यहाँ पर, फिर डबल कोटेशन के अंदर, इस तरीके से डबल कोटेशन के अंदर मैं स्टार दे दूँगा। ये मुझे ये बताता है कि इसके बाद कोई ना कोई और भी कैरेक्टर्स हैं स्टार। फिर इसके बाद मैं कॉमा दूंगा, फिर ये मुझसे कहेगा लुकअप एरे। अब मैं ये लुकअप एरे को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं रिटर्न में मुझे सेल अमाउंट लेना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और फिर मुझे जब मैं कॉमा लगाऊंगा तो देखिए इफ़ नॉट फाउंड में मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, नो डेटा अवेलेबल। अगर हमारे पास लुकअप एरे के अंदर अगर ये लुकअप वैल्यू नहीं होगी तो नो डेटा अवेलेबल लिखेगा। फिर कॉमा के बाद यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आ रहे हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम के लिए -1 देते हैं, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम के लिए 1 देते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच के लिए हम लोग 2 देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच यूज़ कर रहे हैं, मतलब छोटा सा ही पार्ट ले रहे हैं, मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसका छोटा सा ही पार्ट हमारे पास है। तो मैं यहाँ पर 2 दूंगा, वाइल्ड कार्ड आपको यूज़ करना होगा। फिर इसके बाद आपको पैरेंथेसिस बंद करना है, एंटर कर देना। तो आप देखिए ये मेरा इसकी जो वैल्यू नाइकी INC की जो वैल्यू है सेल अमाउंट ये आएगी। अगर मैं इसको चेंज करके मैं केवल यहाँ पर एप्पल लिखूंगा और एंटर करूंगा तो आप देखिए मेरा एप्पल EMEA का जो सेल अमाउंट है वो शो होगा। तो इस तरीके से आप वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास छोटा सा ही पार्ट हो, मतलब ये जो मेरा लुकअप वैल्यू है, ये जो टैक्स है, ये लुकअप एरे के टैक्स का छोटा सा पार्ट है, उसके लिए हम लोग वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप मल्टीपल एक्स लुकअप यूज़ करके अपने डेटा को ला सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप देखो यहाँ पर हम लोग सेल पर्सन भी लिखे हुए हैं और ईयर भी हम लोग लिखे, हम इन दोनों को यूज़ करके कमीशन की वैल्यू लेकर आने वाले हैं। तो इस टेबल में थोड़े से चेंजेस हैं, हमने यहाँ पर ईयर भी लिया हुआ है और हमने यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम यानी कि सेल्स पर्सन का नेम भी लिया हुआ है। तो इसमें हमें 2 बार एक्स लुकअप यूज़ करना होगा। तो इसको हम लोग करते हैं इक्वल टू एक्स लुकअप इस तरीके से। अभी हम मुझसे कहेगा एक्स लुकअप वैल्यू लीजिए, तो पहले तो मैं सेल्स पर्सन लूँगा इस तरीके से, और फिर मैं कॉमा लगाकर लुकअप एरे चूज़ करूँगा। तो मुझे ये वाला कॉलम चूज़ करना है क्योंकि इसमें मेरा सेल्स पर्सन अवेलेबल है। इसके बाद मैं कॉमा लगाने के बाद ये मुझसे कहेगा रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे मुझे ले आना है ईयर। तो आप देखो यहाँ पर ईयर के भी बहुत सारे कॉलम्स हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कौन सा ईयर मुझे लेना है, तो मैं एक बार एक्स लुकअप और लगाऊंगा इसी के अंदर, और फिर मैं ये मुझसे कहेगा लुकअप वैल्यू चूज़ करिए। तो जो मेरा ईयर होगा वो इस वाले कॉलम पर, मतलब I3 पर होगा। तो मैं यहाँ पर I3 लिख देता हूँ, मतलब ईयर जो आएगा वो मेरा इस सेल के अंदर आएगा, I3 के अंदर, जहाँ पर हम लोग रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। फिर मैं कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे, तो मेरा जो ईयर है वो ये कॉलम है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा लगाकर मैं कहूँगा रिटर्न क्या करना है मुझे, रिटर्न क्या करना है मुझे इनकी डेटा को, ये सारे डेटा को मुझे रिटर्न करना। तो ये डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने 2 बार पैरेंथेसिस को बंद किया क्योंकि 2 बार मैंने एक्स लुकअप लगाया था। फिर मैंने एंटर प्रेस किया। तो आप देखिए मेरा, अब आप इसको समझोगे, हार्ले फ्रिट जो है इनका 2022 में अगर आप देखो तो इनका कमीशन आ रहा है 1425 इस तरीके से। अगर मैं इस डेटा को चेंज कर दूं, जैसे ये जो फार्मूला मैंने 2022 दिया था, अगर मैं 2020 दिया था 2022 कर दूं तो मेरा डेटा चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप 2 बार एक्स लुकअप यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, और फिर अपने रिजल्ट को ला सकते हैं।